महाराष्ट्र के मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाया है और कर्मभूमि में भी अपनी जन्मभूमि को नहीं भूल रहे, अपनी कला संस्कृति को, और इस तरह से परिवार के एक मिलन के रूप में हम इकट्ठे हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अपने करियर के चक्कर में हम लोग देखते हैं कि गांव से उस समय निकले जब गांव में सड़कें भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, रोजगार के अवसर नहीं थे। बहुत सारे लोग तो 45-50 साल से ज्यादा समय हो गया, रतन जी, चंपूदत्त शास्त्री जी वगैरह, तो मैं 15 साल तो मुझे देखते हो गए, 15 साल से ज्यादा। और जब मैं चंपूरतन शास्त्री जी की बात करता हूँ तब मेरे फोन नंबर का भी फोन बजो ना कि 98-900-21-35-135 मिल जाएगी आपको शास्त्री जी का फोन। साथ में आए हम संजीव नाइक जी का भी यहाँ पे यही कहूंगा कि उनको कभी बाहर वाला महसूस नहीं होने दिया, परिवार का हिस्सा माना है। ये हम लोग स्वयं भी जहाँ जाते हैं बाकियों के परिवार का हिस्सा बनते हैं, वहाँ के विकास में योगदान देते हैं, और हिमाचल के लोग भोले तो हैं, मेहनती और ईमानदार भी बहुत, इसके लिए जाने जाते हैं। यही कहूंगा कि उनको कभी बाहर वाला महसूस नहीं होने दिया, परिवार का हिस्सा माना है। ये हम लोग स्वयं भी जहाँ जाते हैं बाकियों के परिवार का हिस्सा बनते हैं, वहाँ के विकास में योगदान देते हैं, और हिमाचल के लोग भोले तो हैं, मेहनती और ईमानदार भी बहुत, इसके लिए जाने जाते हैं। कहा क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको बहुत एक्सपोजर मिलता है, दुनिया देखने का अवसर मिलता है, भांति भांति के लोग यहाँ रहते हैं, कॉरपोरेट जगत से लेके प्राइवेट से लेके एंटरप्रेन्योर तक यहाँ पर है, तो यहाँ पर अवसर बहुत है, तो इन अवसरों के साथ हिमाचल को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए मैंने उनसे अनुरोध किया है, और युवा पीढ़ी इसमें अपनी भूमिका कैसे निभाए उसके लिए मैंने अनुरोध किया है। देखिए केवल हिमाचल भवन ही, हिमाचल मित्र मंडल ने एक छोटी सोसाइटी से लेके बाकी सब काम जो किए हैं। सर हिमाचल मित्र मंडल जो मुंबई का है, इससे आप क्या योगदान चाहते हैं आपके हिमाचल प्रदेश के लिए? हिमाचल मित्र मंडल के हमारे सैकड़ों परिवार जो पिछले 5-6 दशकों से मुंबई में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मुंबई के विकास में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और यहाँ के हर समाज के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने का काम किया है। मैं धन्यवादी हूँ कृपा शंकर सिंह जी का, संजीव नायक जी का, और हमारी जो हिमाचल मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं सुरेश जी और उनकी सारी टीम का, कि यहाँ पर जो सद्भावना है, जो भाईचारा है, वो न केवल हिमाचल के परिवारों के लिए, कुल मिलाकर इस क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे हमारे IIT के प्रोफेसर्स हों, हमारे बड़े डॉक्टर्स हों, टैक्सी ड्राइवर से लेके मैनेजर से लेके स्टार्टअप्स कंपनी वाले हों, मर्चेंट शिपिंग में हों, हर क्षेत्र में आप देखेंगे हिमाचली का एक बहुत बड़ा योगदान, देश के अलग अलग हिस्सों में तो वहीं से मुंबई में भी। और हिमाचल मित्र मंडल जो एक भूमिका निभाता है सब परिवारों को इकट्ठा करके हिमाचल की कला संस्कृति संगीत को बढ़ाए रखने का, अपनी जड़ों से जोड़ने का, जो आज की पीढ़ी है जिनका जन्म ही मुंबई में हुआ लेकिन वो हिमाचल के साथ जुड़े रहें, हिमाचल की बोली के साथ जुड़े रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हिमाचल मित्र मंडल निभाता है। सर जो नेता है भारतीय जनता पार्टी है जो तिलमिला गई है क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा जन यात्रा हो चुकी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे नहीं पता कितनी जन यात्रा हुई, लेकिन भारत को जड़ों से उखाड़ने का जो लोग प्रयास करते थे, जो नारे लगाते थे भारत के टुकड़े हो हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो पोस्टर चिपकाते थे अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना रहे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। क्या इस पर कांग्रेस का कोई नेता अब तक मुंह खोलेगा कि आखिर जो देश का नामो निशान मिटाने वाले हैं वो इस यात्रा में क्या कर रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जानबूझकर राहुल गांधी जी को चुनावों से हिमाचल के परे रखा गया? ये रणनीति थी कि इसमें भी कांग्रेस की कोई राजनीति है? सर और एक सवाल है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इलेक्शन चालू है,
तो भी मोदी जी आज साउथ इंडिया का जो है दौरा कर रहे हैं, इस सब भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी जी का बल्कि पूरे भारत का और दुनिया का भी दौरा करते हैं। आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी उभर कर आए हैं। एक बार नहीं कई बार चुने गए, दुनिया को दिखाया कि कोविड के समय भी देश और प्रबंधन कैसे होता है, ये भी किया। और ऑपरेशन गंगा चलाकर 27,000 विद्यार्थियों को यूक्रेन की भूमि से निकालना, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना, ये छोटी बात नहीं है जी। और इस आपदा के समय 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाना, 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज 2.5 साल से ज़्यादा समय तक मुफ्त में देना, और तो और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ाना और भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, मैं एक के बाद कई उपलब्धियां गिना सकता हूं। एक समय वो था जब कांग्रेस के 10 साल में प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चलते थे। मैं उस समय 10 वर्षों में प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चलते थे। आज मैं आशा करता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे। किलोमीटर दूर से चल के कोई व्यक्ति मुंबई जैसे बड़े शहर में आता है, एक छोटे से गांव से, उसके पास कोई ठिकाना नहीं होता, तो सड़क पे ना रहे, हिमाचल भवन उसके पास कम से कम हो। मेरा महाराष्ट्र की सरकार से इतना ही आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, कि इनका जेन्युइन केसेस को जल्द से जल्द किया जाए और एक शानदार भवन बनकर भी तैयार हो और जो पहले सुविधा उसमें भी और सुधार किया जा सके। देश की चौथी ट्रेन थी, कभी पहले हिमाचल से कोई सोच सकता था? बनारस से चली, बॉम्बे से चली, अहमदाबाद से लड़ते हो तुम, चुप हो जाके तो ले जाओ।